टू माई चैनल और मैं हूँ रिद्धिमा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखोगे मेरा इवनिंग रूटीन, और इवनिंग में मैं बहुत कुछ करती हूँ, स्किन केयर एंड गार्डनिंग ये सब करती रहती हूँ। तो वो सब आज आप लोग देखोगे, और आज आप लोग बहुत कुछ है ब्लॉग में देखने के लिए। तो जल्दी जल्दी पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा वेदर हो रहा है यार, बहुत अच्छा मतलब वेदर हो रहा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार। मतलब पता नहीं क्या है, आज हल्की सी हवा वहाँ चली तो अच्छा लग रहा है। कल बहुत गर्मी थी, बहुत 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 गर्मी थी यार कल, लेकिन एनी वेज आज तो मौसम अच्छा है। तो आप देख सकते हो यार कैसे लग रही हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है एकदम। लेकिन आप लोग देखो आज मैंने कुछ भी नहीं पहना, मैंने फिर वही जोकर की तरह मैं बनी हुई हूँ। तो अभी देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ, बिकॉज मैं गार्डनिंग करने आई थी। लेकिन गार्डनिंग के लिए ना एक्चुअली मेरे जो मेरे प्लांट्स हैं उनको देने के लिए मेरी टंकी में पानी खत्म हो गया, तो वो पानी जब आएगा तब मैं गार्डनिंग भी करूँगी। तो अभी मैं आप लोग को अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ, सारे बहुत सारे लगे मेरे घर में, तो मैं आप लोग को जल्दी से। मेरे इतने सारे प्यारे प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वो आप लोगों ने देखा तो कैसे लगे आपको, आप मुझे जल्दी जल्दी कॉमेंट बताए। तो बस आते हैं, और हम लोग को पता है प्लांटिंग करने का बहुत शौक है, सच में बहुत शौक है। मतलब मुझे थोड़ा कम, पापा लोग ज़्यादा करते हैं, पापा दादी ये सब लोग करते हैं, मैं जब बहुत कम करती हूँ। लेकिन मैं पानी वानी दे देती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, तभी मैं करती हूँ ऐसा काम, वरना मैं रोज़ का नहीं कर पाती हूँ। रोज़ सुबह पानी देते हैं हम लोग, और शाम को ज़्यादा नहीं देते क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है, और मतलब आजकल बारिश भी हो रही है। लखनऊ में बारिश हो रही थी, मतलब अभी तो नहीं पहले हो रही थी बारिश, लेकिन अब तो मौसम अच्छा नहीं है, बेकार हो रहा है मौसम। वो पूरा मेरी छत से आता है, मतलब कि जो हमारी जिस तरफ हम लोग की बालकनी है बस उधर ही आता है वो व्यू। तो हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया, उनके पास कोई काम नहीं है, काम धंधा कोई है नहीं, वो खाली ब्लॉगिंग करते रहते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे हम लोग बनाएंगे जाके चाय। चाय पीनी है ना आप लोग को, तो जल्दी जल्दी बताओ किस किस को चाय पीनी है। आ जाओ चलो चलते हैं नीचे, लेट्स क्लोज द डोर, चलो आ जाओ नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी। इसको चलना है मेरे साथ नीचे, यहाँ पे लाइट्स नहीं जली हैं तो मैं लाइट्स जला देती हूँ। सबसे पहले मैं सारी लाइट्स बंद हैं, तो सबसे पहले मैं अपने एक्वेरियम की लाइट को ऑन करूँगी। और अभी मैं बाकी लाइट चला देती हूँ, लेकिन हमें गैस वैस कुछ नहीं है, खाली ऐसे ही। तो चलो अभी हम सबसे नीचे चलते हैं और बनाएंगे हम लोग चाय। तो चलो अच्छा चलो सब लोग आ जाओ। यह मेरा किचन, और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे चाय। जिस जिसको चाय बनानी नहीं आती वो मेरे से सीखेगा। यहाँ पे देखो मेरे पानी उबल रहा है बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद क्या करना बताओ। तो अभी हम लोग लेंगे अदरक, कूटेंगे अच्छे से, अपना सारा गुस्सा अदरक पे निकाल लेना है। चाय चलो हम लोग चलते हैं ऊपर, और ऊपर हो रहा है मौसम बिल्कुल मस्त, तो वहाँ चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। दूसरी बार ऊपर जा रहे हैं, ओहो पतंगी उड़ रही कितनी अच्छी लग रही है, ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हो मैं मतलब फिर से ऊपर आ गया, मैं पूरा दिन ये करती रहती हूँ ऊपर नीचे। तो अभी देखते हैं मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं खाली ऐसे कहती रहूँगी और अपनी ओवर थिंकिंग करती रहूँगी बस। एंड आज का मेरा फिर से वही एक आउटफिट, जो कि है मेरी ओवर साइज टी शर्ट विद सम प्लाजो, एक प्लाजो और एक ओवर साइज टी शर्ट पहनना मेरे को बहुत पसंद है, और अपनी स्मार्ट वॉच, और इस साथ में पता है ये बैंड मेरा, मैं बैंड लगा दी तो वही मैंने इसको लगा के रखा है। और मुझे बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो आपको मेरी आईडी दिख रही होगी, तो जाकर के जल्दी जल्दी फॉलो करो ऑफिशियल विधिमा 001। जल्दी जल्दी फॉलो कर दो सब लोग, और 500 होने वाले हैं तो जल्दी कर दो और मेरे 500 हो जाएंगे इंस्टा पे। ये करती हूँ एंड फिर आपको।
अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी पागल बनती, क्योंकि वो भी जरूरी है। अभी मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, 5% है, तो अभी मैं इसको थोड़ा चार्ज करूँगी, उसके बाद आगे से मिलती हूँ। गाइस अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करने वाली हूँ, तो अभी मैं क्या पढ़ूँगी, अभी पढ़ूँगी कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर पढ़ने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। वैसे कोई ऐसा इवनिंग रूटीन है नहीं, बस ऐसी। तो अभी मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ, बेसिकली इतने नोट्स हैं। ओहो ये बाबा बोला ओहो, तो यार एक वो है, तो बस मैं वो थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद जस्ट मैं आप लोग से फिर। गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है, एंड अभी मैं देख रही हूँ अपना फेवरेट शो। गाइस अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं अपने रूम में आई हूँ और जस्ट मैं थोड़ा बैठूंगी, और उसके बाद आप लोगों को एक सैड न्यूज़ सुनानी है मुझे। ये मेरी प्यारी सी मछली मर गई यार, इसको देखो ये वाली यहाँ पे है, और ये मर गई यार, इतना बुरा लग रहा है। सो मैंने पता बहुत प्यार से रखा था, लेकिन फिर भी ये मर गई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार। एनीवेज अभी हम लोग खेलेंगे थोड़ी देर पबजी, मतलब अभी थोड़ी देर में खेलेंगे पबजी, और बस उसके बाद मैं सो जाऊंगी। सबको देखो कितने मजा कर रही है ये लोग, आओ देखो इन लोग का। हाय गाइस अभी मैं करने जा रही हूँ फेस वॉश, तो जल्दी चलो फटाफट हम लोग फेस वॉश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो फेस वॉश हो गया है, एंड अभी मैं जा रही हूँ करने थोड़ी सी फेस पे ऑयल से मसाज, और ये मैं रोज़ रात को करती हूँ, जिससे मैं रिफ़्रेश हो जाती हूँ और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल आप कोई भी यूज़ करो, एंड उसको यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से, यहाँ पर एंड यहाँ पर, देन आपको यहाँ यहाँ से ले जाके ऐसे ऐसे, देन लिप्स को आपको ऐसे बंद करना है एंड ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोग को रोज़ मसाज करनी है, मतलब मैं ऐसे रोज़ मसाज करती हूँ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 रोज़ मसाज करती हूँ मैं, एंड बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा रिफ़्रेश फीलिंग आती है। तो बस यही था मेरा स्किन केयर, और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ रात में। तो अभी मैं थोड़ी देर में खेलूँगी पबजी, और उसके बाद जस्ट मैं सो जाऊँगी। और एक कार्टून हमारे पूरे दिन चलता रहता है, पूरे दिन कार्टून जो हो, और ये कितना प्यारा लगता है ना डोरेमोन। कौन कौन डोरेमोन देखता है मुझे जल्दी कमेंट में बताओ, और कौन कौन देखता है शिनचैन मुझे बता देना। शिनचैन और डोरेमोन मेरा फेवरेट है, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं दोनों।